Your Majesty, the King of Bhutan, Your Majesty, the Fourth King, esteemed members of the Royal Family, Your Excellency, Prime Minister Shering Tobge, और भूटान के मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कुजू जांगपोला, योर मैजेस्टी, आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये विश्वास भी बढ़ता है कि हमारे प्रयासों से दोनों देशों के लोगों का कल्याण हुआ है। हमें और अधिक परिश्रम करने का उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान के लिए आपका और भूटान की जनता का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। योर मैजेस्टी, 140 करोड़ भारतवासी जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। भूटान के लोग भी यह जानते हैं, मानते हैं कि भारत उनका परिवार है। हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है, हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है, हमारा विश्वास भी अटूट है। और इसलिए मेरे लिए आज का ये दिन बहुत विशेष है। सुखद संयोग से अभी तीन दिन पहले ही हिज रॉयल हाइनेस का जन्मदिन भी था। दो दिन पहले ही हमने इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी सेलिब्रेट किया। मौसम ने थोड़ी सी चुनौती अवश्य दी, लेकिन वो भारत और भूटान की दोस्ती और मेरे यहां आने में बाधा नहीं बन पाया। इसलिए ये अवसर और भी खास हो जाता है। योर मैजेस्टी,
एक्सलेंसीज, फ्रेंड्स, भारत और भूटान के संबंध जितने प्राचीन है उतने ही नवीन और सामयिक भी है। 2014 में जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मेरी पहली विदेश यात्रा के रूप में भूटान आना स्वाभाविक था और मुझे वो दिन याद है कि जब 10 वर्ष पहले मैं ड्रुक यूल यानी द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन आया था, भूटान द्वारा उस स्वागत, उस गर्मजोशी ने प्रधानमंत्री के रूप में मेरी कर्तव्य यात्रा की शुरुआत को यादगार बना दिया था। योर मैजेस्टी, भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनकी तपस्थली है। भारत वह भूमि है जहां बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। भूटान ने भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं को आत्मसात किया, उन्हें संरक्षित किया। महान शब्दरुंग नामग्याल की इस धरती पर आकर आज भी वो आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव होती है। गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद से इस धरती ने वज्रयान शिक्षाओं को आज भी जीवंत रखा है। सभ्यता को सादगी में ढालने की ये कला भौतिकता और आध्यात्मिकता में सामंजस्य की ये समझ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और ट्रेडिशंस का यह संतुलन, मैं इन्हें पूरे विश्व के लिए भूटान का मार्गदर्शन मानता हूं। योर मैजेस्टी, मुझे खुशी है कि भूटान की इतनी समृद्ध विरासत को आप एक आधुनिक विजन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके नेतृत्व में भूटान मंडला के साथ मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहा है। आपके नेतृत्व में भूटान तकसंग के साथ टेक्नोलॉजी और इनर जॉय के साथ इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। भूटान ने विश्व को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसा विजनरी फ्रेमवर्क दिया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भूटान की माइंडफुलनेस सिटी भी विश्व के लिए प्रेरणा बनेगी। इसी तरह COVID-19 ग्लोबल पैंडेमिक का उदाहरण भी हमारे सामने है। भारत उस समय भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उस मुश्किल समय में मैंने, योर मैजेस्टी, आपकी संवेदनशीलता को, प्रशासनिक कुशलता को बहुत करीब से देखा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में
भूटान टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयां छुएगा। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भूटान की ये कार्बन न्यूट्रल प्रगति विश्व को रास्ता दिखाएगी। साथियों, हमें गर्व है कि हिज मैजेस्टी द किंग के गैलेफू जैसे विजनरी प्रोजेक्ट में भारत को सहयोग देने का अवसर मिल रहा है। भारत और भूटान, यहां के युवाओं की आकांक्षाएं एक जैसी ही है। भारत ने और हमारे लक्ष्य भी एक जैसे हैं। भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है, वहीं भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। आपके इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीबी यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। मैं आपको यह भरोसा भी दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए नया एयरपोर्ट हो, गैलेफू से कोकराजार, सामची से बनरहाट के बीच नए रेलवे लिंक हो, ब्रह्मपुत्र के जरिए वाटरवेज का संचालन हो, जल्द ही हम इन्हें तेजी से पूरा होता देखेंगे। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देने के लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट भी बनाए जाएंगे। हमेशा की तरह भूटान सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। साथियों, हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार B2B के साथ साथ P2P भी है। B2B यानी भारत टू भूटान और P2P यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। हमारे B2B संबंध बुद्ध और गुरु रिम्पोन्से से जुड़े हैं।
हमारे B2B संबंध हिमालय और पवित्र नदियों से जुड़े हैं। इसी तरह हमारे P2P संबंध भी हजारों वर्षों का अपनापन है और अब तो हजारों लोग जिन तक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का लाभ पहुंच रहा है, जिन्हें कृषि और पशुपालन डेवलपमेंट प्रोग्राम का लाभ मिल रहा है, दामचू चुखा रोड से जिनका जीवन बदला है, ये बच्चे एजुकेशन प्रोग्राम से जिनका भविष्य संवरा है, थिम्पू के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल से जिन्हें स्वस्थ जीवन मिला है, वे सब साथी अब भारत भूटान के P2P संबंधों का नया आधार बने हैं। जो युवा लॉ स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स एकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भूटानी छात्र स्कॉलरशिप पर भारत पढ़ने आ रहे हैं, जो युवा अब ग्यालसुंग अकादमी में ट्रेनिंग लेंगे, ये सब भारत और भूटान की P2P पार्टनरशिप का आधार भी है और हमारे इन संबंधों के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। साथियों, भारत और भूटान मिलकर कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम मिलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। भूटान के प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाली बिजली भारत को निर्यात की जा रही है। इससे भूटान को फॉरेस्ट का लाभ मिल रहा है। हमारी ये पार्टनरशिप लैंड और वाटर तक ही सीमित नहीं है। भूटान अब स्पेस में भी भारत का पार्टनर है। भूटान के वैज्ञानिकों ने इसरो के साथ मिलकर भारत भूटान सैटेलाइट लॉन्च किया है। शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हमारा काफी गहरा सहयोग रहा है। भूटान के कई जनरेशन्स को भारत के टीचर्स ने पढ़ाया है। अब भारत ने स्टेम टीचर्स भूटान में शिक्षा देने के लिए यहां सेवारत है। पिछले दशक में भूटान के सभी स्कूल और कॉलेजेस में डिजिटल लाइब्रेरीज खोली गई है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी से भी दूर दराज के इलाकों में शिक्षा पहुंचाई जा रही है और हम सहयोग के साथ साथ एक दूसरे की सफलताओं को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब भारत का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब भूटान के भी लोग उतनी ही खुशी से भर गए थे, उन्होंने भी खुशी मनाई थी जितनी भारत के लोगों ने मनाई थी। हिज मैजेस्टी ने मुझे पत्र लिखकर उस ऐतिहासिक दिन पर बधाई दी थी। हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया था और जब भूटान के युवा पावो दोर्जी की फिल्म लुनाना ऑस्कर के लिए नामांकित हुई, तो भारत के लोग उतने ही खुशी थे जिस जैसे अपना कोई ऑस्कर के लिए जा रहा है। यही अपनापन
हमारे रिश्ते को अनूठा बनाता है। और अभी मैं कल्चरल कार्यक्रम देख रहा था, जिस प्रकार से भारत की विशेषताओं को, भारत के सांस्कृतिक परंपराओं को, भारत के गीत संगीत नृत्य को और खास करके मेरे गुजरात को आपने जिस प्रकार से यहां प्रस्तुत किया, कितने दिन मेहनत की होगी इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं, लेकिन भारत आपके दिल में बसता है तभी तो ऐसा आयोजन होता है। और इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूं आपको। साथियों, आज भारत विश्व की सबसे तेज गति से प्रगति कर रही पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज की उपलब्धियों को आगे ले जाने के लिए हमने 25 वर्ष का अमृत काल का संकल्प लिया। शीघ्र ही हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमारी इस यात्रा में भूटान एक मजबूत भागीदार होगा। मैं इस अवसर पर सभी भारतवासियों की ओर से हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं हिज मैजेस्टी का भी, उन्होंने अपने भाषण में जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे जो सम्मान और गरिमा दी है, आपने सेनेटर्स में भी अवार्ड के साथ आपने एक एक शब्द जो लिखा है, मैं नहीं जानता हूं कि मेरी योग्यता कितनी है, लेकिन आपने जो कुछ भी लिखा है, आपने जो कुछ भी कहा है, हो सकता है उन मुद्दों को लेकर के, उन भावनाओं को लेकर के मैं अपने जीवन को भी ढालूं, अपने कार्यों को भी आगे बढ़ाऊं, ताकि आपकी जो मनोकामना है, आपने जो भाव व्यक्त किए हैं, उसको मैं भविष्य में साकार करके भारत भूटान को, इन संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने में निमित्त बन सकूं। इसी भाव के साथ एक बार फिर आपके इस प्यार और सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। कदरिंशे ताशी देले। For watching the live coverage of India's Prime Minister Narendra Modi's ongoing visit to Bhutan, where he has just been conferred the country's highest civilian honor, the Order of Druk Gyalpo, by the King of Bhutan. Prime Minister Modi becomes the first foreign leader to be honored with the award. Prime Minister Modi, acknowledging the presence of a large cross-section of Bhutanese people and society, waving to them as he makes his way around the venue of the just concluded function, where people turned out in large numbers, as you can see on your screens right now, waving the Bhutanese and Indian flags,
and acknowledging Prime Minister Modi's contributions to the furthering of India-Bhutan ties, exemplified by the conferment of the Order of Druk Gyalpo, Bhutan's highest civilian award, on the Indian Prime Minister. Remember, Prime Minister Modi landed in Bhutan this morning on a two-day visit to the Himalayan Kingdom. He has already held talks with his Bhutanese counterpart Shering Tobge. A number of agreements were signed after their talks, seven agreements to be specific, in diverse areas reflecting the breadth of the India-Bhutan relationship. And he has also called on His Majesty the King of Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. And in the just concluded ceremony, Prime Minister Modi became the first foreign leader to be conferred Bhutan's highest civilian award, the Order of Druk Gyalpo. Mr. Modi, accompanied by the Bhutanese king and the fourth king, waving to the crowds as he walks past them after receiving Bhutan's highest civilian honor.